हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल रास्ता में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसे कि हम MSME रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम MSME की कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। इसमें तीन टाइप की कैटेगरीज आती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को देखना होगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो वाली कैटेगरी में आते हैं, और वहीं आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये बिजनेस स्मॉल वाली कैटेगरी में आएगा। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम है तो आप मीडियम वाली कैटेगरी में आएंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको उद्यम यानी कि MSME का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट लेने से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को काफी सारे फायदे मिलते हैं जो बिजनेस की ग्रोथ और सस्टेनेंस में हेल्प करते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा ये है कि इससे आपको कोलेटरल फ्री लोन्स मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, जो कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा लाइसेंसिंग, अप्रूवल्स और रजिस्ट्रेशंस भी आसान हो जाते हैं, जिससे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी कम हो जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड में भी स्पेशल कंसिडरेशन मिलती है जो आपके बिजनेस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर भी कॉन्सेशन देती है जो ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट के साथ आप क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जिससे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के लिए फाइनेंशियल एड मिलता है। ISO सर्टिफिकेशन फीस के रिइंबर्समेंट से क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना आसान हो जाता है बिना एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन के। इसके अलावा लेट पेमेंट के केस में भी प्रोटेक्शन मिलती है जो कैश फ्लो को मेंटेन करने में मदद करती है। बैंक लोन्स पर सब्सिडीज और कम इंटरेस्ट रेट भी मिलते हैं जो फाइनेंशियल प्रेशर को कम करते हैं। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए भी स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसीज भी हैं जो मार्केट कॉम्पिटिशन में आपको एज देती है। डायरेक्ट टैक्स लॉज में एग्जेम्पशंस और NSIC परफॉर्मेंस फीस और क्रेडिट रेटिंग पर सब्सिडीज से भी फाइनेंशियल सेविंग होती है। बारकोड और पेटेंट रजिस्ट्रेशन में भी सब्सिडीज मिलती है जो बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। इन सारे बेनिफिट्स के साथ उद्यम सर्टिफिकेट लेना एक स्मार्ट चॉइस है जो आपके बिजनेस को मल्टीपल लेवल पर सपोर्ट करता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस करता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एंटरप्राइज का पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंटरप्रेन्योर का आधार कार्ड की कॉपी, एंटरप्रेन्योर की सोशल कैटेगरी का प्रूफ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बिजनेस शुरू होने की डेट, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, बिजनेस में एम्प्लॉयड मेल और फीमेल की एम्प्लॉयज डिटेल्स, बिजनेस का नेचर और लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप लीगल रास्ता की हेल्प ले सकते हैं। हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर जा सकते हैं, या फिर आप 8753008585 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लीगल रास्ता को सब्सक्राइब कर लें।